welcome to you all in another vlog and thank you very much for your love and support. बहुत समय से मैं सोच रहा था वो जगह जरूर जाएगा, जाके ऑब्जर्व करेगा वहाँ का नज़ारा. सो फाइनली मैंने डिसाइड कर चुका और कहाँ मैं जाने वाला है वो जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ. अभी नहीं, उससे पहले मैं क्या करेगा, फटाफट में रेडी हो जाएगा. सो लेट गेट सेट रेडी. सो आई एम हेयर रेडी एंड अभी फटाफट निकलते हैं अपने उस तरफ जहाँ है. एंड वहाँ पहुँचने के बाद और कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे साथ एक हम लोग का दोस्त है, वो भी मेरे साथ ज्वाइन करने वाला है. कौन है मैं आपको वहाँ जाके उसको शो करेगा. सो फटाफट निकलते हैं. मैं अभी फिलहाल एग्जैक्टली फुलबाड़ी में हूँ एंड मेरा एक दोस्त है, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बोर्जांस यूट्यूबर. उसका नाम क्या है, वो कौन है, मैं एग्जैक्टली आप लोगों को मिलाऊंगा उसको. एंड फाइनली अपना जो दोस्त है वो आ चुका है एंड आई एम गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस टू यू ऑल गाइस. सो प्लीज कम. हेलो, माय सेल्फ राजेश शर्मा, मैं भी एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ. तो दोस्त मेरा गांव में है तो मैं दोस्त मिलने के लिए आया हूँ. तो अभी हम लोग जाएंगे जगन्नाथ मंदिर. तो आप लोग बने रहिए, अभी हम लोग जाते हैं जगन्नाथ मंदिर की ओर. लेट्स गो. एंड वन मोर थिंग दैट इज लाइक, यस, सरप्राइज जो था जो मैंने रिवील नहीं किया था वो था जगन्नाथ टेम्पल. तो डेफिनेटली मेन पर्पज ऐसा है कि हम लोग खटखट में बहुत सा चीज़ है जो अच्छा अच्छा चीज़ लोग है. हम लोग देखो, हम लोग ऐसा हो गया कि हम लोग अभी जाता बाहर जगह विजिट करने के लिए, लेकिन हम लोग का खटखट में बहुत कुछ है. तो मेरा मेन फोकस ये है कि चलो मेरा हम मुझको कंटेंट मिल रहा है, उसके साथ साथ अवेयरनेस भी आए कि खटखट में बहुत कुछ है. तो ये मेन पर्पज है मेरा. एंड ये हम लोग जगन्नाथ टेम्पल अभी जाने वाला है, वहाँ जाकर ढेर सारा दिखाऊँगा कि क्या है क्या नहीं है और बहुत मज़ा करने वाला है. सो वॉच दिस ब्लॉग फुल, मज़ा आएगा आप सभी. So guys, finally I am inside the Jagannath Temple campus. And one more thing, compound I mean. And one more thing that is, as you can see, the board and here, Sri Jagannath Temple. इसका जो foundation stone laid by था Sri B.P. Acharya. And ये जो बना था, जो established हुआ था, ये हुआ था on 15 July of 2018. तो वेल, हम लोग ऑलरेडी कंपाउंड में घुस चुका. सो अभी एक काम करते हैं, सीधा चलते इसको बोलता है समथिंग लाइक यज्ञ हॉल. यहाँ बहुत कुछ होता है, समथिंग लाइक आई थिंक, अब एग्जैक्टली बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी इसमें शादी भी होता होगा एंड इसके अलावा कुछ कुछ पूजा हो गया, मेन फंक्शन हो गया. ये हॉल टाइप का है तो आप देख सकते हो, काफ़ी स्पेस है, काफ़ी आदमी यहाँ रहकर यहाँ बहुत कुछ कर सकता है. तो समथिंग लाइक हॉल टाइप का, सो सी एंड दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया है. नेक्स्ट प्लेस दिखाने वाला क्या है, वो है हम लोग का यहाँ मंदिर. अब मंदिर की तरफ हम लोग चलते हैं. आ चुका हम लोग यहाँ में अभी. एंड एज यू कैन सी दिस इज टेम्पल, ये एक मंदिर है जहाँ जनरली पूजा हो रहा है. एंड इसके अलावा यहाँ का मेन मंदिर जो है वो मैं दिखाने वाला हूँ आप सभी को. इससे पहले हम लोग जरा रुकेंगे अंदर एंड सो देखे दिखाएंगे आप सभी को क्या है क्या नहीं है इसके अंदर. सबसे पहले हम लोग का एक नियम होता है कि मंदिर का अंदर प्रवेश करने का पहले हम लोग जूता खोल के साइड में रखने पड़ता है. हो चुका है, घूम चुका है मंदिर के अंदर. एंड आई विल शो टू यू गाइस क्या क्या यहाँ में है. यहाँ में देख सकते हो, सबसे पहले तो यहाँ मंदिर हम लोग का जो बहुत खूबसूरत बहुत प्रीति है, आप देख सकते हो बहुत कुछ बहुत लोग यहाँ में है. एंड आपको कुछ अच्छी तरह सिनेमेटिक शॉट में भी सेव करना चाहता हूँ. तो वह देख चुका आपने, ये मंदिर जो है कितना खूबसूरत है.
एंड इसके अलावा मैं सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज आप लोग आओ एंड विजिट करो। एंड इसके अलावा ऑब्वियसली अभी तो कोई नहीं है पूजा करने के लिए, लेकिन फिर भी जो भी हो। एंड इसके अलावा एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, वो है कि डोनेशन बॉक्स। एज यू कैन सी डोनेशन बॉक्स है, ये डोनेशन बॉक्स आप लोग ने देख चुका, तो इसमें डोनेशन डालने पड़ेगा, तो ऑब्वियसली हम लोग की तरफ से भी डोनेशन इस पे होगा। एंड हम लोग की तरफ से ज्यादा नहीं, थोड़ा ही, क्योंकि यू नो लाइक नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आएगा तब ढेर सारा दे पाएगा। उस चीज के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सपोर्ट करने पड़ेगा। सपोर्ट करो भाई को, हम मुझे एंड हम लोग का जो राजेश भाई है उनको भी सपोर्ट करो। तब क्या होगा कि हम लोग इतना काबिल होगा कि हम लोग और ज्यादा से ज्यादा दान पेटी में दान दे पाए। तो इसलिए हम लोग फिलहाल इतना ही। एंड आई होप डेट आने वाला साल इससे तीन चार में 10-100 गुना ढाल पाए। बस आप लोग सपोर्ट करना श्योरली हो लोग। वेल ये था हम लोग का एक मंदिर, मिनी मंदिर। एंड इसके अलावा यहाँ का जो मेन मंदिर है वो मैं आप सभी को अभी दिखाने वाला, जो है उस तरफ। सो लेट्स गो। मेन मंदिर है यहाँ का, वो मंदिर है ये, एस यू कैन सी, देख लीजिए आप भी। ये है जो फाउंडेशन बन रहा है, यू नो वेरी सिंपल। ऐसा बात है कि फाउंडेशन तो बन रहा, चल रहा है काम, और ये कुछ अच्छा ही काम है। यू नो ये जल्द से जल्द हो पाएगा अगर आप सभी लोग जो भी ये ब्लॉग देख रहा, अगर आप लोग आएगा, अगर विजिट करेगा यहाँ में, एंड उसके अलावा अपना कैपेसिटी के हिसाब से दान देगा, तो क्या होगा, यहाँ का जो कमेटी है उन लोग को बहुत बड़ा एक हेल्प मिलेगा ये जल्द से जल्द कार्य कंप्लीट करने के लिए। फाउंडेशन, मेन फाउंडेशन जो है ऑलमोस्ट उठ चुका है, और इसका ऊपर में जो है अभी ढलाई होगा, आई थिंक उसके बाद और होगा। सो इट्स रियली गुड, यू नो आई एम बहुत एक्साइटेड है ये मंदिर जब कंप्लीट होगा। जब कंप्लीट होगा, दिस इज माय प्रॉमिस डेट, जब भी कंप्लीट होगा ये मंदिर मैं फिर आऊंगा। एंड आने के बाद में क्या करेगा, आप सभी को ये कंप्लीट होने के बाद में जैसा लुक्स आ रहा, क्या हो रहा, क्या सब बना है वो मैं श्योरली दिखाऊंगा। एंड और कुछ मैं दिखाऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, वो क्या है जस्ट वेट। तो गाइस यहाँ का सबसे बढ़िया एंड प्यारा चीज वो है कि ये रथ यात्रा, तो जब भी होता ना एक हम लोग का, जब भी उनका पूजा होता है तो उस तरफ से क्या होता है, घुमाने के लिए उनको जगन्नाथ बाबा को घुमाने के लिए क्या करता है, यहाँ में आई थिंक रखता है, उसके बाद में पूरा यात्रा कराता है। ऐसे कि उनसे कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत है, छोटा है एंड मजा, लेकिन बहुत खूबसूरत है। देख सकते हो ये रूम्स लोग है, आई थिंक वर्कर लोग यहाँ जो काम करते हैं यहाँ रहते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ में एनवायरमेंट जो है काफी अच्छा है, एवरीवेयर इज ग्रीन ग्रीन। एंड आजकल के टाइम में ऑब्वियसली क्या होनी चाहिए, थोड़ा माहौल ग्रीन ही होने से बहुत अच्छा लगता है। एंड इट इज रियली यू नो लाइक व्हाट टू से, पीस, काम एंड वेरी अट्रैक्टिव। तो आप लोगों में सबको रिक्वेस्ट है, तो जरूर आओ ये जगन्नाथ टेम्पल में एंड विजिट करो। यू नो बाथरूम का, वॉशरूम लोग का देख सकते हैं, यहाँ में ऑलरेडी रेडी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो जरूरी होता है वो है बाथरूम लोग, हर मंदिर में हो या कोई भी चीज हो, कोई भी जगह हो, बाथरूम तो बहुत जरूरी है। तो इसी कैन से बाथरूम लोग तो ऑलमोस्ट रेडी होके है। यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस का, यहाँ का एक्सपीरियंस मुझे कैसा लगा, यहाँ का एक्सपीरियंस जो है मेरा बहुत एकदम फैंटास्टिको था, बोले तो मेरा भाषा में। एंड इसके अलावा सो डेफिनेटली वन मोर टाइम मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज गाइस यहाँ में आओ, डू विजिट एंड खुद ही एक्सपीरियंस करो। जो मजा है ना, यू नो मैं आने का बार पता, मैं काफी साल से सुन रहा था यहाँ मंदिर मंदिर में, बट मैं कभी आया नहीं, तो आज आया है दोस्त के साथ में। यहाँ जो आने के बाद जो फील हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नजदीक आ चुका ये ब्लॉग का अंत में। एंड इसके अलावा सो डेफिनेटली अगर आप लोग ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इट्स मी आरसी स्वैग, जाओ और जाके फटाफट फॉलो करो। एंड वन मोर थिंग डेट इज 1K जल्दी बना दो गाइस, जल्दी बना दो,
बहुत हम ईगरली वेट कर रहा है कि कब होगा वन के। सो फटाफट कर दो, तब देखो क्या मतलब एक से बढ़कर एक ब्लॉग में लाने वाला हूँ, बहुत मजा आने वाला है। मेरा भाई है राजेश शर्मा, उसने मुझे काफी बहुत ज्यादा गाइडलाइन किया है, बहुत ज्यादा मतलब गाइड किया है इस जगह को शो करने के लिए। एंड यू नो आई रियली वांट टू थैंक फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट टू हिम। एंड सेकेंडली उनका जो चैनल का लिंक है जो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक इट आउट। एंड आई विल जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स, उनको भी जाके सपोर्ट करो, बिकॉज ऐसा हो गया ना अभी हम लोग का न्यू क्रिएटर लोग को क्या है हेल्प का बहुत जरूरी है, तो इसका वजह से हेल्प करो गाइस। एंड जैसे कि ऑलरेडी मैं मेंशन किया था पहले भी, हम लोग का अंदर जो टेलर में सब शो करूंगा, हम लोग सब शो करेगा आपको एंड बेस्ट कंटेंट दूंगा। एंड कुछ भाई बोलने चाहता है? अच्छा अच्छा, भाई के लिए मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि हम लोग गांव में आए भाई जी, और आप लोग को बहुत अच्छा सा लोकेशन है। हम लोग गाँव में बहुत सारा लोगों को तो पता भी नहीं होगा हम लोग गाँव में इतना अच्छा मंदिर बन रहा है, इसके लिए भाई को वेरी वेरी थैंक यू आने के लिए हमारा गाँव में। और भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहिए, भाई का 1K जल्दी होने वाला है, तो होने से हम लोग आप लोग के लिए कुछ गिवअवे प्लान भी चल रहा है अभी, तो वो भी आप लोग का जल्दी अनाउंस होगा। तो तब तक के लिए कुछ बोलिए आप अपना जो भी जितना भी लोकल का चीज है, लोकल का आसपास का जितना भी है सब चीज में वही प्रमोट करने वाला हूँ। एंड इसके अलावा आई होप दैट इफ पीपल हैव एंजॉयड दिस ब्लॉग, इफ यू हैव रियली एंजॉयड देन जस्ट लाइक इट, एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड दिस इज आरसी साइनिंग ऑफ, आई विल बैक विद अनदर न्यू ब्लॉग वेरी सून। टिल दैट स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बी इन स्वाइक, बाय बाय।